हेलो, मैं युवराज आपका वेलकम करता हूँ टेक विद मास्टरमाइंड की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में। आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि आपको कोई डॉक्यूमेंट भरवाना है, कोई फॉर्म फिल करवाना है, चाहे वो बिजली मीटर के लिए अप्लाई करना हो, वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करना हो, पैन कार्ड, पासपोर्ट, किसी चीज़ के लिए भी अप्लाई करना हो, जो गवर्नमेंट वर्क है आपको किसी को ढूंढना पड़ता है, यार मेरा ये काम कर दो। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारे लिए ऐसे ऑफिसेज बना रखे हैं हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे जाके हम अपना काम करवा सकते हैं। वो आपसे चार्ज तो लेंगे पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के चार्ज लेंगे आपसे। उन ऑफिसेज को बोलते हैं CSC सेंटर्स। वैसे सेंटर्स बने थे ताकि रूरल एरियाज़ में जो लोग हैं वो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज का लाभ ले पाएँ। लेकिन ये हमारे लिए भी इतने ही इम्पॉर्टेंट है, आप सोच सकते हैं। वो आपका काम करेंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे विजुअल इम्पेयर्ड दोस्त हैं जिन्हें वेबसाइट एक्सेस करनी नहीं आती, या फिर उन्हें गवर्नमेंट वेबसाइट समझ में नहीं आती, या उन्हें फॉर्म फिल करने में दिक्कत होती है, तो CSC सेंटर्स उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो CSC सेंटर्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हमारी सिटी में, क्योंकि हैं तो सही लेकिन हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, हम उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे एक वेबसाइट के थ्रू जिसका नाम है, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे शेयर ज़रूर करें ताकि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, और इस यूट्यूब चैनल टेक विद मास्टरमाइंड को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल फीडबैक हमें ज़रूर दें। चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हम चलेंगे गूगल क्रोम पे। हम यहाँ पे सर्च करेंगे CSC locator locator.com CSCLOCATOR.com 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 हमारी वेबसाइट आगे खुल चुकी है। इस वेबसाइट का इंटरफेस बिल्कुल सिंपल है। ऊपर बस तीन पॉपअप हैं, आपको उनमें अपनी अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी सिटी और अपना एरिया सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं अपनी सिटी, अपना डिस्ट्रिक्ट और अपना एरिया सेलेक्ट करूंगा। हम आगे चलेंगे। फर्स्ट आएगा सेलेक्ट स्टेट, तो मैं इसमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे हर स्टेट हरियाणा सेलेक्ट की। अब यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो मैं अपना हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूँगा। मैंने हिसार अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया। ब्लॉक, ब्लॉक यानी एरिया। अब मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी गांव वगैरह आते हैं आप उन्हें एरिया माने, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट के एरियाज यहां पे आएंगे। हमने जैसे ये तीनों फील्ड सिलेक्ट की, अब अपने आप ये सर्च हो गया। अब देखें हमारे सामने CSC सेंटर एक टेबल आ चुकी है, उसमें CSC सेंटर के नाम, एड्रेस और नंबर्स आ चुके हैं। ये टेबल के तीन हेडिंग्स हैं। अब देखें राकेश कुमार, ये नाम है CSC सेंटर के ऑनर का। विलेज कलवास, ये पास में एक विलेज है, उस विलेज के अंदर है CSC सेंटर। व्यू, अभी यहाँ से इसकी लोकेशन और इसका नंबर देख सकते हैं। अगला ये इनके ऑनर का नाम, विलेज, ये एक विलेज में है, हम यहाँ से व्यू कर सकते हैं। कुलविंदर सिंह, ये एरिया है। तो मतलब ये पूरी की पूरी एक टेबल है, इस टेबल में उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके नंबर भी हैं। हम उससे कांटेक्ट करके फ़ोन पे हमारी बात कर सकते हैं, उनकी शॉप तक पहुंच सकते हैं और
उनसे फ़ोन पे भी हम अपना काम करवा सकते हैं। तो ये CSC सेंटर्स को फाइंड करने के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जो है csclocator.com। ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका बेनिफिट लें, क्योंकि ये आपके लिए ही है। और हाँ, एक और बात, ये प्राइवेट घरों में भी हो सकती है, ऑफिस में भी हो सकती है। क्योंकि इस पे हम कोई भी अप्लाई करके CSC सेंटर्स खोल सकता है, लेकिन उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल टेक्विन मास्टर को सब्सक्राइब करें, और अपने अवेलेबल फीडबैक हमें ज़रूर बताएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।